हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। एक्साइटेड हो? तो रे ऑप्टिक्स की खूबसूरत सी जर्नी आज हम शुरू करेंगे और यहां से करीब 20 वीडियो इसके हमें करने पड़ेंगे। एक लेंथी टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और हम चाहते हैं कि जितना भी कंटेंट इसका कोटा में पढ़ाया जा रहा है या किसी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो हम सारा का सारा आपको डिलीवर करें, इसलिए थोड़े ज्यादा वीडियोस बनाने पड़ेंगे। पर टेंशन मत लो क्योंकि रे ऑप्टिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस जो जेईई मेंस या नीट में आते हैं वो गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, स्कोरिंग पार्ट है ये। अब ऐसा इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं, हाँ, पर प्रैक्टिस बहुत ढेर सारी करनी होती है। तो आपको कोई टेंशन लेनी, वीडियो पे वीडियो आएगा, आपको बढ़िया से नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, वेबसाइट से असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेना, www.physicswala.alakpandey.com, एक दो दिन में असाइनमेंट्स वहां अपलोड हो जाएंगे और खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेना और बढ़िया से रिविजन भी कर लेना, ठीक है। अब ये जो रे ऑप्टिक्स है इसमें पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर से, पहले प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। बहुत बातें हो गई, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो और चूहे को मार के खाना बंद करो। तो चलिए भाई, हेडिंग लगाते हैं रे ऑप्टिक्स। वाओ सर, नया टॉपिक, ओ ओ ओ, रे ऑप्टिक्स। तो बच्चों, ये ऑप्टिक्स क्या होता है पहले ये बताओ। ऑप्टिक्स क्या? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, वो ब्रांच साइंस की जो लाइट से डील करे, साइंस की वो ब्रांच जो लाइट से डील करे उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। अच्छा, लाइट क्या होता है? लाइट सर रोशनी, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ऐसे सोचते हो ना। लाइट बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, वैसे ही लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस ऐसी वेव है जिसकी वजह से हमें अगल बगल के ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। लाइट ना हो तो हमें चीजें दिखे ना। इस कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दूं फिर मैं वीडियो बना लूं कुछ नहीं दिखेगा ना। तो लाइट ही है जिसकी वजह से हमें चीजें दिख पाती हैं। सो लाइट क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी है, which help us to see various objects। लाइट ना हो तो भैया कुछ दिखाई ना पड़े। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है जरा देख लो। सबसे पहले कौन सी रेज होती है हमारे पास? सबसे पहले होती है गामा रेज। गामा के पास कौन सी होती है? एक्स रेज। एक्स रेज के बाद कौन सी होती है? यूवी रेज। यूवी रेज के बाद क्या आता है? विद्योर। यही तो लाइट है ना, विद्योर। इसके बाद कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज। इसके बाद कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स। और उसके बाद रेडियो वेव्स। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब आप इस एंड से इस एंड को जाओगे तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज करेगी, आपकी नहीं, इन वेव्स की वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, या ऐसे बोल लो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिक्रीज करेगी। ऐसे जाने पे वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ये हमें दिखाई नहीं पड़ती, ये 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 दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ ये दिखाई पड़ती। ये जो रीजन है यही सिर्फ हमें दिखाई पड़ता है और इसी को हम बोलते हैं लाइट। जो विजिबल रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उसी को हम लाइट बोलते हैं। इनकी वेवलेंथ की एक अप्रोक्स रेंज अगर आप देखो तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा। कई किताब में 4000 से 8000 लिखा होता है, कई में 4000 से 7800 लिखा होता है, तो एक अप्रोक्स रेंज है 3800 से 7600 तक। और अगर आपको मोटा मोटा याद रखना है तो 4000 एंगस्ट्रॉम से
8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में फॉल करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लाइट कहते हैं। अब आपसे कोई आपसे पूछे लाइट क्या होता है, तो ये नहीं कि बचपन वाले डेफिनेशन लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में या 3800 से 7600 के बीच में। हाँ, इन वेव्स की वजह से ही हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने अगल बगल देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ना, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हूज वेवलेंथ इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी वेवलेंथ 4000 से 8000 के बीच में है और जिनकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं, उनको हम लाइट कहते हैं। और स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर आपने किताब में देखा होगा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो जरा बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या है, फिर आते हैं रे ऑप्टिक्स पे। पहले आज इंट्रोडक्शन तो हो, है ना, परिचय तो हो आपका। नोट करें, परिचय मैंने की है मेहनत, मिटा रहे इसको, मिटा रहे। सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी आज। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही है लाइट। हाँ यही है लाइट, मिटा रहे। चलो पॉज करके नोट कर लिया करो, बाकी जो लोग चाहें वो हमारी वेबसाइट, वेबसाइट का प्रमोशन www.physicswalaalakpandey.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्टिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। किताब में भी आपने देख रखा होगा, एक हमारा है और एक हमारा है, एक हमारा है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम अगर देखो तो उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी अच्छी किताब में देखोगे तो इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बढ़िया कोचिंग में जब पढ़ाते हैं हम लोग तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसी को रे ऑप्टिक्स के नाम से किताब में डाला जाता है। और एक होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहां भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ना है ना। कई लोग ऐसे ही कर लेते हैं कि इधर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इधर डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, नहीं। एक्चुअल डिफरेंस क्या है कि यहां आप जिन ऑब्जेक्ट से डील करोगे, जिन ऑब्जेक्ट से डील करोगे उनकी साइज लाइट की वेवलेंथ से काफी बड़ी होगी। डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब अरे मिरर, मिरर से डील करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट मिरर से, लेंसेस से, प्रिज्म से, टेलीस्कोप, है ना, पेरिस्कोप, हॉरोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, इन सब चीजों से जो डील करना है आपको, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मच बिगर, बिगर नहीं, आर मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अरे वेवलेंथ ऑफ लाइट देखे ना कितनी छोटी सी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10^-10 meters। और जब आप वेव ऑप्टिक्स से डील करोगे तब आप उन चीजों से डील करोगे जिनका डायमेंशंस लाइट की वेवलेंथ के आसपास होता है। यहां आपको मिलेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पर एक स्लिट होगा, एक छेद होगा, और उस छेद की जो साइज होगी, उस होल की जो साइज होगी, उस स्लिट की जो साइज होगी, वो लाइट के वेवलेंथ के आसपास होगी। यहां आपको डिफ्रैक्शन में मिलेगा एक अपर्चर, तो अपर्चर की जो साइज होगी वो लाइट के वेवलेंथ के पास होगी। तो क्या डिफरेंस है यहां पे? डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे स्लिट वगैरह मिलेंगे, स्लिट, होल्स एक्सेट्रा, आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है सर, थोड़ा बहुत फील हुआ, और फील दिलाए। यहां जो फिनोमेनास होते हैं वो आप देख चुके हो, वो हमें दिखाई पड़ते हैं अगल बगल नेकेड आई से। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, ये सब नेकेड आई से दिखाई पड़ जाता है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अपनी इमेज दिख रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट की बेंडिंग हो रही है ना, पूल की हाइट कम दिख रही है, वगैरह वगैरह डिफरेंट फिनोमेनास। ये जो फिनोमेनास हो रहे हैं ये आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये क्वांटम लेवल के फिनोमेनास होंगे। यहां पे लाइक इंटरफेरेंस आप पढ़ोगे,
अरे दिमाग घूम जाएगा इंटरफेरेंस जब आएगा। डिफ्रैक्शन क्यों घूम जाएगा, टफ नहीं है, खतरनाक लॉजिक है इनके अंदर। डिफ्रैक्शन आप पढ़ोगे, पोलराइजेशन, तो यहां कुछ ऐसे फिनोमेना होंगे जो आपको नेकेड आई से जल्दी आसानी से दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्वांटम लेवल के एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटे वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि देख रहे हो साइज कहां है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास। तो यहां क्वांटम लेवल पे पूरी डील करनी पड़ेगी, और यहां पे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होंगे, बड़े बड़े चीजें होंगी, दिखाई पड़ेगा, डे टू डे लाइफ के फिनोमेना होंगे। ये डे टू डे लाइफ के फिनोमेना है, तो होते तो रहते हैं बट हमको फील नहीं होते हैं। क्लियर है, मतलब उतने डिस्कवर्ड फिनोमेना नहीं है जो आपने सुन रखे हो क्लास 9-10 में, वो सब आपने सुन रखे हैं। शुरू करें, किसी चीज की स्पेलिंग गलत हो तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या फॉर्मली नोन एज रे ऑप्टिक्स, उर्फ रे ऑप्टिक्स। नोट कर लिया इसको, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो, बहुत बढ़िया। अरे देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। मजा आ रहा है, नया टॉपिक रे ऑप्टिक्स। पहले बात करते हैं व्हाट इज बिंग 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 रे। रे क्या होती है, ऑप्टिक्स समझ गए, स्टडी ऑफ लाइट। रे क्या है बच्चों, जो लाइट होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी लाइन में चलती है। लाइट क्या, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी थी, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विब क्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब की सब स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं, ऑल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइट का पाथ है, लाइट का जो ये रास्ता है, इसी रास्ते को हम रे बोलते हैं। द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। एंड बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ठीक है, सब सुन रखा होगा 9-10 में भी आपने, कि लाइट का जो रास्ता है उसको हम एक लाइन से दिखाते हैं, उसको हम रे बोलते हैं। एरो उस तरफ बनाते हैं जिस तरफ लाइट जा रहा है, जिस तरफ लाइट प्रोसीड कर रहा है उस तरफ एरो बनाते हैं, वो रे हो गया। और बहुत ढेर सारी रेज एक साथ है, रे ऐसे होती है ना, लाइट अगर ऐसे जाती है, और बहुत ढेर सारी रेज अगर एक तरफ है तो इनको हम बोलते हैं बीम। ठीक, इनको बोलते हैं बीम। तो शुरू करें रे ऑप्टिक्स। अब हम रे समझ में आ गया, पाथ ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, नोट कर लिया, मिटा रहे हैं, ओके। अब यार रिफ्लेक्शन तुम्हें आता होगा ना, बहुत ऐसा नहीं कि डिटेल में चलेंगे कि रेगुलर सरफेस क्या होता है, इरेगुलर सरफेस क्या होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा हम तेजी दिखाएंगे, ओके। आप 9-10 से, बल्कि 8-10 से रिफ्लेक्शन पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम एक पॉलिश सरफेस ले लेते हैं, डुंग 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 डुंग, ये हमने एक पॉलिश सरफेस ले लिया, और क्या किया, यहां से हमने एक इंसिडेंट रे गिराई, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पे आप क्या बनाते हो, क्या बनाते हो, नॉर्मल बनाते हो, टंग 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 टंग। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे गिरी है, जहां पे इंसिडेंट रे गिरी है वहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। फिर आपको पता है इंसिडेंट रे आई है तो इधर से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, फिर सबको पता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब चीजें सबको पता ही होगी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, क्या क्या लॉज है हमारे पास, नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनपे बहुत समय तो बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, ऑलवेज। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मत सोचना कि ये प्लेन मिरर पे लगेंगे या स्फेरिकल मिरर पे लगेंगे। दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये लॉज वैलिड होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आसान लग रहा है,
दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये लॉज होल्ड करेंगे। दूसरा लॉ लिखेंगे द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब आपको क्लास 9 10 में पढ़ाया था, चलो इसको समझा देते हैं। शायद ये पॉइंट कई लोग को नहीं पता होता है, 11th में पहुंच जाते हैं 12th में पहुंच जाते हैं। द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। कौन से प्लेन में? इस प्लेन में, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों के तीनों, ये भी ये भी ये भी इसी प्लेन में है। इस प्लेन में नहीं, लाई इन द सेम प्लेन, इस प्लेन में है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों ध्यान से देखो इस वाले प्लेन में, ये व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें तीनों लाए करते हैं एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखो ये तीनों के तीनों इस प्लेन में है। अब समझ में आया? ये वाला जो प्लेन है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, इस प्लेन में, क्लियर है? तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेंगे कब? ऑलवेज। दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये होल्ड करेंगे। अरे जरा नॉर्मल बनाने की एक चीज, एक कहानी और समझ लो। मान लो कभी स्फेरिकल सरफेस मिल गया, प्लेन सरफेस में तो नॉर्मल समझ गए, सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खींच देंगे। मान लो स्फेरिकल सरफेस, और यहां मान लो मैं इसको अंदर से पॉलिश कर दूं, बेकयानी, ये मान लो अंदर से पॉलिश कर दिया, छी थोड़ा छोटा अंदर से मैंने पॉलिश कर दिया। अब मान लो यहां पे हमने एक रे ऐसे इंसिडेंट की, ये हमारी इंसिडेंट रे। अब जब स्फेरिकल सरफेस मिलेगा ना तो इसका नॉर्मल कहां से पास करता है? कई लोगों ने बोल दिया सेंटर से, बहुत बढ़िया, कहां से? सेंटर से, कहां से? सेंटर से। तो जब भी स्फेरिकल सरफेस मिले तो नॉर्मल ऐसा बनाना कि वो उस सरफेस को काटता हुआ सेंटर को काटता हुआ जाए, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से आप इतने ही बराबर का खींच दो, इतने ही बराबर का खींच दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है? नॉर्मल शुड पास थ्रू, नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है? तो थोड़ा सा स्फेरिकल कर्व सर्फेसेस में, स्फेरिकल सर्फेसेस में ध्यान रखना कि नॉर्मल सेंटर से पास करे, बाकी इनमें तो आसान है, खींच दिया बस परपेंडिकुलर, है ना? जो सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करता है, हमेशा। नोट कर लिया? क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है? एक केस और सुन लो, बड़ा ही यहां पे बढ़िया केस बनता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ये सब चीजें पड़ी हुई है 9-10 में, बट जल्दी आपको बता रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस। बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस वो केस होता है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर तो हमेशा ही होते हैं और दोनों जीरो के बराबर होते हैं। बराबर तो दोनों हमेशा ही होते हैं और दोनों जीरो के बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये कोई मेरे पास प्लेन सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट मैं ऐसे लेके आया, कैसे? ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे लेके आया, यही इंसिडेंट है। अब नॉर्मल भी यही बनेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि भाग रहा है टॉपिक? मैं इंसिडेंट रे ऐसे लेके आ गया, मान लो ये अपने पास कोई सरफेस है, इंसिडेंट रे मैंने तुम सीधी सीधी मार दी परपेंडिकुलर, जरूरी है इंसिडेंट रे ऐसे मारे? इंसिडेंट रे ऐसे मार दी। अब ऐसे मार दी तो क्या हुआ? नॉर्मल भी इसी पे बना। अब भैया नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट रे भी यही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो ये मेरे पास सरफेस है, लाइट ने इसको ऐसे मार दिया, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो भैया यही तो बनेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो मतलब लाइट जैसे गई है वैसे ही वापस टक 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 टक। तो कभी भी अगर नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो, लाइट अगर परपेंडिकुलर जाके मारेगी तो टक से वापस, नहीं समझे? नॉर्मल मारी परपेंडिकुलर मारी,
नॉर्मल बनाया, बीच में एंगल जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो कब होगा, जब लाइट इसी पे लौट है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई, नॉर्मल के साथ एंगल जीरो डिग्री। तो टक टक बनाना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रे डायग्राम्स के लिए। इस पूरे खेल में आपको रे डायग्राम ही तो सीखने हैं। चलिए नोट करें, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर पे आते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर नोट कर लिया। चलिए अभी रफ्तार पकड़ेंगे, धीमे धीमे भी सवाल आएंगे। आज तो पहला लेक्चर है ना, तो इंट्रोडक्शन को दें आपको थोड़ा बहुत। अभी रफ्तार पकड़ लेंगे, सवाल कराना स्टार्ट कर देंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आपको फील दिलाएंगे कि इमेज होती क्या चीज है, फील दिलाएंगे कि लाइट आती कहां से, होता क्या है। एक प्लेन मिरर बना लेते हैं और पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का, उसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट के बराबर, ठीक है, बिंदु। तो ये हमने बना लिया मिरर, ये हमारा मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मिरर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, कहां दिखाई पड़ेगी, क्या होगा, ये हमें सीखना है। मान लेते हैं यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई खटाक से, मिरर पे टकराई, मिरर पे टकराई, मिरर से ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, बीच में कहीं नॉर्मल होगा। अब बंदा जो देख रहा है वो इधर से देख रहा है कहानी को, भाई अपन शीशे के अंदर घुस के देखते हैं कि शीशे के बाहर से, शीशे के बाहर से। तो ये जो रेज आ रही हैं, हमारी आंख इधर पूरी बड़ी सी है, ये जो रेज आ रही हैं, ये हमें कहां से आती हुई दिखेंगी, ऑब्जेक्ट से। आंख में हमारा इतना सेंस थोड़ी ना, उसको रेज आते आते हुए दिख रही, सोचेगा ऑब्जेक्ट कहीं उसी तरफ है। मेरे को सामने से कैमरे की रेज आती हुई, मेरे को लग रहा है कैमरा सामने है ना, तो इस बंदे को लग रहा है रेज ऐसे आ रही है, तो सोचेगा रेज कहीं पीछे से आ रही होंगी, भाई साहब यहां से कहीं से, इसके दिमाग में तो यही चलेगा कि रेज कहीं पीछे से यहां से आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, एक रे इधर भी टकरा देते हैं खटाक टिंग, और टिंग 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 टिंग, ये अब ये दोनों रेज जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, हमारी आंख ने सोचा ये रेज कहां पे मिल रही है, हमारी आंख हमेशा ही सोचती है रेस कहां मिल रही है, तो उसे थोड़ी ना पड़ा यहां मिल रही है, वो तो दोनों रेस को सोचेगा और अपने आप एक इल्यूजनरी इमेज बनाएगा कि रेस पीछे मिल रही जाके, तो हमें लगेगा कि रेस यहां पे आके मिल रही और हम यहां पे बना लेंगे इमेज। यानी इमेज कहां बनती है, मिरर के अंदर बनती है, मिरर के पीछे नहीं बोलना, मिरर के अंदर बनती है। लाइट रेस कहां से आती हुई मालूम पड़ती है, हमें लगता है कि वो इमेज से आ रही है, हमें ऐसा फील होता है कि जो लाइट रेस आ रही है वो कहां से आ रही है, इमेज से आ रही है, यहां से, हमें पता ही नहीं चलता कोई ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है बात, अभी बनाने का तरीका तो सिखा देंगे, शॉर्टकट सिखाएंगे, आसान तरीका सिखाएंगे, अभी तो इतना समझो। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारे दिमाग ने इमेजिन किया कि पीछे से कहीं आ रही होंगी और मिरर के अंदर कहीं इमेज है, मिरर के अंदर। अब आजकल तो ठीक है क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हो मिरर, सोचो जैसे पहले मिरर नहीं रहा होगा, पहली बार किसी इंसान ने शीशा दिखाया, ये क्या मेरा डुप्लीकेट, डर गया होगा, ये क्या हो रहा है, ये इसके अंदर मैं ही दिख रहा हूं, पानी के अंदर मैं ही दिख रहा हूं, ये क्या चीज है। तो उसे ये तो नहीं लग रहा है कि मैं रिफ्लेक्ट होके आ रहा हूं, आपको इतना नहीं पता है, वो तो आपके माइंड को पता है। आप तो क्या करती है रेस को कन्वर्ज करके पीछे मिला लेती है, अच्छा वही होगी इमेज। आपका एक ही काम है देखना रेज कहां मीट कर रही है, क्या क्या रेज कहां मीट कर रही है, आपको रेज मीट करानी है, उसने मीट करा दी। हाँ अगर रेज एक्चुअल में मीट करती है तो हम बोलते हैं रियल इमेज, और यहां पे अपीयर्स टू मीट है तो वर्चुअल इमेज। तो एक चीज आपको समझनी है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। क्या ये सच में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, एक वर्चुअल हमारी सोची मनगढ़ंत कहानी है। ऐसी इमेज को हम किसी स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन।
पढ़ा होगा वर्चुअल इमेज के बारे में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतनी दूर इमेज भी मिरर से होती है। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार इनसाइड द मिरर, एज फार इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जिस भी भाषा में लिखना चाहो लिख लो, चाइनीज में कहानी समझ गए, कहानी समझ गए। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। इसका जल्दी से प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ देख लो। 2 सेकंड का है, क्लास 9 की बातें हैं ये सब। क्या है यहां पे ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट से एक रेस दिखा चाक, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी डिंग 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 डिंग, पीछे से आती हुई दिखेगी वैसे तो हमें डिंग 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 चाक ऐसे, सही। और एक रे नीचे ले जाने की जगह मैं ऐसे ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत? क्या मैं रेज ऐसे ले जा सकता हूं? ये क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस अभी सिखाया था ना, एक रे ऐसे ले गए एक रे ऐसे। देखो दो रेज चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, क्योंकि दो रेज ही तो क्या एक दूसरे को कट करेगी, कम से कम दो रेज। जब तक रेज कट नहीं तब तक इमेज नहीं, जब तक रेज कट नहीं तब तक इमेज नहीं। तो दो रेज तो चाहिए कम से कम, तो एक रे ये ले ली, एक रे मैंने वाली ले ली, कौन वाली? नॉर्मल इंसिडेंस वाली, ठीक है। जरा इसको पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ भाई बन गया, कैसे? एक रे ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली ली, ये जैसे लड़ेगी वैसे ही वापस आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते पे। अब यानी रेस जब इसी वापस आएगी तो हमारी आईज को क्या लगेगा, रेस कहां से आ रही, कहीं पीछे इसको मिलाने की कोशिश करेंगे हम ले जाकर यहां। बोलो बात समझ में आ रही है? एक रे ऐसे मारी ऐसे निकल गई, ठीक है, आपने उसको पीछे देखने की कोशिश की, और एक रे हमने नॉर्मल इंसिडेंस वाली ली, जाके लड़ी और सीधा लड़कर वापस ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इसको आंख ने पीछे मीट कराया, कहीं यहां मीट कर गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी इमेज हो गई। हमें प्रूफ करना है ये डिस्टेंस बराबर का है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे नॉर्मल बनाते हैं, टंग 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 टंग, ये क्या बन गया नॉर्मल इस सरफेस से। बच्चों ये एंगल अगर मैं थीटा मान लू तो ये एंगल भी थीटा होगा, आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। मैंने क्या किया यहाँ पे नॉर्मल, अरे इस जगह पे मैंने नॉर्मल खींच लिया ऐसे, जब नॉर्मल खींच लूंगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर, थीटा थीटा। अब ध्यान देखो ये जेड बन रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये जेड दिख रहा है ये थीटा तो ये थीटा। अच्छा ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ध्यान से देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, बोलो बात समझ में आ रही? टर टर, और ये थीटा तो ये जेड बन रहा है तो ये भी थीटा, और ये 90 डिग्री ये 90 माइनस थीटा। इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं और इसमें एक साइड कॉमन है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। आज ट्रायंगल का खेल खेलना है, इस ट्रायंगल में देखो तीनों एंगल बराबर, एक थीटा 90 थीटा 90 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तीनों एंगल बराबर एक साइड कॉमन, तो ए एस ए से ASA से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते ही ये साइड और ये साइड बराबर होती है, यानी ऑब्जेक्ट इज या इमेज इज दैट फार इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी अब आप प्लेन मिरर में इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम बनाना छोड़ दो मतलब एक ट्रिक लगा लो, आप इमेज पहले ही बना लो। कैसे बना लोगे? आप मिरर को पकड़ो, ऑब्जेक्ट को पकड़ो, मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आगे है, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर खींचकर 2 सेंटीमीटर अंदर जाकर इमेज बना दो। किसके परपेंडिकुलर? मिरर के, मिरर के परपेंडिकुलर खींचकर 2 सेंटीमीटर अंदर जाके इमेज बना दो। यही तो किया है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, टक टक, क्लियर है? जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो यही है कि रेज लाओ रिफ्लेक्ट कराओ, फिर एक रे लाओ रिफ्लेक्ट कराओ, दोनों रे को मीट कराओ, चाहो ऐसे कर लो एक रे ऐसे, फिर दोनों पीछे जहां मीट की वहां इमेज बनी। या तो दिमाग लगा लो, आपको पता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, बट मिरर को परपेंडिकुलर चलना है ना। क्या करो, टू ड्रॉ इमेज, टू ड्रॉ इमेज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर on mirror from object, बस करो
ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और उतनी ही अंदर चले जाओ जितनी आगे ऑब्जेक्ट हो, बाकी आप समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट ऑब्जेक्ट कहानी। वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, ऐसा लगता है कि वहां से कुछ रेज आ रही है, हमें ऐसा लगता है मिरर के अंदर से कोई है, वहां से रेज आ रही है, हमें लगता है वहीं हम खड़े हैं। और दूसरी चीज उतनी ही अंदर बनती है मैं जितना हम बाहर दूर खड़े होते हैं। अब देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर जाना, मिरर के परपेंडिकुलर जाके इमेज बनाना, ये मैं क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। मान लो कि मिरर ऐसा है, टंग 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 टंग, और ऑब्जेक्ट ये है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी बताओ, टंग टंग टंग, कैसे? जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, हाँ यही करना है ना, मिरर के परपेंडिकुलर चलना है, ये गलती नहीं करना। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर गिराओ मिरर पे, और फिर जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एल है, तो उतनी ही दूर इमेज बना दो एल डिस्टेंस पे। बोलो समझ में आया? ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई जो लाइन हो वो मिरर को परपेंडिकुलर काटती हुई जाए, समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई जो लाइन हो वो मिरर को परपेंडिकुलर काटती हुई जाए, बात फील हो गई? सीधा बाबर। अब इसके रे डायग्राम में क्या दिक्कत है, एक रे ऐसे मार दो, अब रे डायग्राम देखो हलवा, इसके बाद एक बार इमेज पता चल गई, एक रे ऐसे मार दो, अब आपको पता है इमेज यही बननी है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज यहीं अपीयर करेंगी मीट होती हुई। एक रे ये उठा लो, आपको पता है ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां भी जाएंगी पीछे यहीं मिलेगी, जहां भी जाएंगी पीछे यहीं मिलेगी, तो पहले ही मिला दो, अब भेजो, इसको भी पहले ही मिला दो, अब भेजो। बोलो बन गया रे डायग्राम? चोरी, पहले से इमेज बना लो, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, परपेंडिकुलर लाइन पे, परपेंडिकुलर रास्ते पे चलकर जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर पे इमेज खींच लो, उसके बाद यहां से रेज ला यहां लड़ा है, यहां से रेज ला यहां लड़ा है, हमें पता है जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है पीछे यही मीट करेगी, तो पहले मीट ही करा लो फिर खींच दो, क्लियर है? अब जैसे इसमें एक बढ़िया सवाल ये बन सकता है कि बताओ इस केस में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे बोल बोल, इमेज बनेगी कि नहीं? यहां से मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, बताओ इस केस में इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कहां बनेगी? जल्दी से यार, आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं, बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं करना है, ये मिरर यहां पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, इस मिरर को आगे एक्सटेंड कर लो, कोई बात नहीं, इस मिरर को आगे एक्सटेंड कर लो, आगे एक्सटेंड कर लिया, बहुत बढ़िया, जितनी दूर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर लाइन खींच के उतनी दूर पे इमेज बना लो, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मान लो डिस्टेंस डी है तो डी डिस्टेंस पे इमेज बना लो। अब आप बोलोगे कैसे बनी, मिरर तो ऊपर है, कुछ नहीं, रेज लेके आओ यहां से, ये रेज आई, अब ये रेज रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगी पर पीछे तो यही मिलेंगी, तो पहले ही मिला लो और रिफ्लेक्ट करा दो। एक और रे चाहिए, ये वाली रे ले ले, ना इस बार ये रे नहीं ले सकते क्योंकि मिरर यहां पर खत्म हो रहा है, मिरर ये है, तो एक रे और इसी रास्ते पे ले चलते हैं, आप एक रे में ऐसे ले गए ऊपर टकरा दिया, ये भी रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और पीछे कहां मिलना चाहिए इमेज पे, तो पहले मिला दो फिर रिफ्लेक्ट करा दो। लो बन गए, बोलो आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको पहले से पता चल जाए कि इमेज उतनी ही दूर बननी है जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, और मिरर के लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी ऑब्जेक्ट इमेज वाली, तो खेल बड़ा आसान है। आपने यहां से एक परपेंडिकुलर पहले तो मिरर को एक्सटेंड कर लिया, फिर इसको एक परपेंडिकुलर खींच के यहाँ पे इमेज बना ली, जितनी दूर ऑब्जेक्ट नाप लो उतनी दूर इमेज, फिर आपने एक रे ली मिरर पे टकराई, पता है रिफ्लेक्ट होके पीछे नहीं मिलनी है, पहले ही मिला दिया, फिर हमने कहा एक और रे चाहिए, ये वाली तो यूज नहीं कर सकते मिरर ही नहीं है, दूसरी भी इस पे टकराई पीछे मिलाया खींच दिया। बोलो क्लियर है? एक सवाल करोगे इस पे बढ़िया सा, तैयार है आप? पॉज करके करना है, पहला सवाल रे ऑप्टिक्स का, तैयार है? मजा आ रहा है अभी तक? इसमें देखो यहां कोई मिरर प्रेजेंट नहीं है, कोई मिरर प्रेजेंट नहीं, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो देखो ये कहानी हुई एक्चुअली। अब फील हो रहा है ये ऑब्जेक्ट से रेस नहीं लड़ी, और पीछे जब आंख से हम देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं, हमें लग रहा है ये रेस तो कहीं मिरर के अंदर से आ रही, यहां से। अब फील हुई बात?
आओ एक सवाल करो। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ रे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट्स को आप लोकेट करें। ये एक प्लेन मिरर है, वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे ये टिल्टेड है और ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आर 2, 0, √2, 0, 0, -2, 0, -√2। पॉज करके ट्राई करो। हो गया, मैं करूं। चलो सबसे पहली बात तो कि इमेज कहां बनेगी भाई, मिरर के परपेंडिकुलर चलना है और मिरर तो यहां तक है ही नहीं ऑब्जेक्ट के सामने। तो एक काम करते हैं, मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं। अरे पिछली बार यही तो किया था, मिरर को एक्सटेंड कर लिया था, फिर ऐसे इमेज बना ली थी, है कि? तो यही हमने किया, मिरर को एक्सटेंड कर लिया ताकि ऑब्जेक्ट के सामने मिरर दिखाई पड़ने लगे, बहुत खूबसूरत। अब क्या करना है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, यानी एक परपेंडिकुलर बनाना है पहले तो, यानी यहां से इसे परपेंडिकुलर खींचा। ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर रास्ते पे इमेज होगी, ये एंगल 90 डिग्री। अब एक बार बताओ, ये 45, ये भी 45, तो ये भी 45, ये भी 45, तो ये हो गया 45। अब बच्चों ये 45 तो ये भी 45, बोलो यहां तक सबको फील हो रहा है? ये 45, ये 45, फिर उसके बाद ये 45 हो जाएगा इसकी वजह से, ये 45 हो जाएगा इसकी वजह से, ये 90, ये 45, तो बचा हुआ भी 45। ध्यान से देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटन्यूज है, ये हाइपोटन्यूज है दो। अगर ये हाइपोटन्यूज है और ये आइसोसेलीस राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों एंगल बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो ये √2 और ये भी √2 होगी। इसका स्क्वायर करो 2, इसका स्क्वायर करो 2, अंडर रूट 2, कितना आएगा 2। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, ये जो बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90, यहाँ 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये ट्रायंगल में 90, 45, तो ये 45। अब एक बात सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ, कचाक कचाक कचाक, और ये आइसोसेलीस नहीं हुआ, दोनों एंगल बराबर है, ये साइड बराबर, ये कितना आ रहा 2, तो ये कितना होगा √2, ये कितना होगा √2, दोनों का स्क्वायर करके रूट करके देख लो। ऐसे नहीं आया तो ऐसे समझ लो, मैं कह रहा हूँ ये रूट टू, ऐसे नहीं आया तो समझ लो। इधर इसका कंपोनेंट कितना आएगा, 2 cos 45, 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, 2 × 1/√2, तो फाइनल आंसर √2 आया, बहुत बढ़िया। यानी √2 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर वाली लाइन से, यानी √2 डिस्टेंस पे इमेज भी होगी। ये बन गई इमेज, लो खत्म थी, बड़ी। अब आपने कैसे पता चला ये यहीं पे बनेगी यहाँ नहीं बनेगी, अरे यार √2 कितना हुआ, 2√2, ठीक है, ये एंगल कितना है 90, अब ये 90 होगा, ये 45, तो ये 45, तो ये 45। अब ध्यान से ये पूरा ट्रायंगल देखो बड़ा वाला, थोड़ा बहुत आपको मैथ्स नहीं आनी चाहिए, ये 2 है, ये 2√2 है, ये 2 है, ये 2√2 है, तो डेफिनेटली ये भी तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस करो √8, 2√2, यानी ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर नीचे। बोलो बात फील हुई, पहले मैंने कहा 2 cos 45 यानी √2, ये √2 तो ये भी √2, अब ये 2√2 हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, जब हाइपोटेन्यूज 2√2 है यानी दोनों साइड 2-2 होनी चाहिए, अगर एक 2 है दूसरी भी 2 होगी, तो ये 2, तो इमेज यहां बनी है कहां पे, 0, -2 पे, ऑप्शन सी। बोलो आ गया, आया समझ में, बहुत बढ़िया। मिटाएं, चल तो ये हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट का खेल। अब ले लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब एक लंबा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में हम उठा लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, ठीक है। ये हो गया अपना प्लेन मिरर। हमसे कहा इसकी इमेज बनाओ पूरे पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अब तुम दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि भाई ए की इमेज जितनी दूर ए मिरर से है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट से बढ़ो, इस पूरे ए बी की इमेज बनानी है। अब जितनी दूर ए है मिरर से उतनी दूर ए की इमेज बना लो, ये इतना ना ए डैश, जितनी दूर बी है उतनी दूर बी डैश बना लो, ठीक है। और कहां बनाना, स्ट्रेट लाइन में बनाना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना, इसको 90 डिग्री पे काटते हुए ये बी डैश और ए डैश बी डैश को जोड़ दो, इमेज तैयार हो गई। लो कितना ही आसान है, आपको पता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, दोनों को जोड़ दिया इमेज बन गई। रे डायग्राम देखना है तो रे डायग्राम भी ले सकते हो, ये आपने रेली खचाक मारी, अब ये रिफ्लेक्ट होके जिधर भी जाए, जिधर भी जाए पीछे ए डैश से आती हुई दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि नहीं, तो पहले से ही ए डैश से जोड़ दिया और ये बना दी रिफ्लेक्टेड रे। एक और रे चाहिए तो एक रे तो यही वाली उठा लो, इस पर ये गई लड़कर वापस यही आ गई, दोनों रेस कहां मिल रही है यहां पे। बी से भी दो रेस चाहिए, एक रे ये उठा लो, कहां मिलेगी पीछे यहां, बोलो सही, एक रे ये वाली उठा लो रिफ्लेक्ट होके वापस, कहां मिली दोनों रेस पीछे बी डैश। बोलो आ गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का खेल, जरा इसकी इमेज बनाओ। चलो इसकी इमेज बताओ कैसी बनेगी जल्दी से, जितनी दूर ए उतनी दूर ए की इमेज यहां पे मान लो ए डैश, जितनी दूर बी उतनी दूर बी की इमेज बी डैश, बन गई इमेज। रे डायग्राम बनाना है और रे डायग्राम बनाते हैं, एक रे मैंने ये उठा ली पीछे ए डैश से मिला दी पहले से फिर रिफ्लेक्ट कराई, ये लॉजिक समझ में आ रहा, पहले ही मिला दो, दूसरी रे भी चलो ऊपर ही ले चलते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं, ये ले ली मैंने दूसरी रे, कहां मिलेगी ए डैश पे और ये ए डैश पे और ये मैंने रिफ्लेक्ट करा दी। इधर से बी से दो रेस चाहिए, एक ये ले गए, कहां मिलनी चाहिए बी डैश पे, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, भाई रिफ्लेक्ट बाद में करा रहे हैं क्योंकि हमें पता है पीछे जाके कहां मिलना है बी डैश पे। एक और रे उठा लिया, ये कहां मिलेगी बी डैश पे, रिफ्लेक्ट करा। बोलो आ गया समझ में कैसे इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख के इमेज पहले से बना लो, फिर उसके बाद रे डायग्राम में मनगढ़ंत कहानी देख लो। क्लियर है, जरा एक सवाल बताना है इसके बाद मिटा रहे हैं। चलो सवाल ये है, आपको अब ट्रिक समझ में आ गई ना कि पहले इमेज बना लो और रिफ्लेक्टेड रे पहले ही बना लो, पहले खींच लो कहां जा रही है, ठीक है। और जैसे मान लो इसमें एक सवाल है कि मान लो एक घड़ी है, उस घड़ी मान लो अभी 3 बज रहा है, उस घड़ी में 3 बज रहा है, देखो 3 का निशान है ना, तो शीशे के अंदर हमें कितना बजा हुआ दिखाई पड़ेगा, सर 3 ही दिखेगा, नहीं वो लिखने वाली घड़ी नहीं है ये वाली है। अब इसे बताओ दिखे शीशे के अंदर क्या दिखेगा, यहां आपको 3 दिख रहा है तो शीशे के अंदर क्या दिखेगा, इमेज बनानी है बस, गोले की इमेज गोला, गोले की इमेज गोला है। अब एक बार बताओ अगर इसकी इमेज देखोगे तो जहां पे ये एरो जितनी दूर है उतनी दूर ये पॉइंट दिखेगा यहां पे, ये जितना दूर उतना दूर ये, और ये पॉइंट ओ मान लो ये इतनी दूर है यहां से मिरर से, तो ये इतनी दूर अंदर यहां पे हो जाएगा ओ। अच्छा इसको देख लो, ये तो सीधी लाइन है, जितनी दूर ये उतनी दूर ये और ओ यहां, बोलो ये बनेगा, बात समझ में आ रही, ये एरो हेड जितनी दूर है उतनी दूर एरो हेड बनाया, ठीक है, ये ओ पॉइंट जितनी दूर है उतनी दूर ओ पॉइंट बनाया, ये अलग एरो हेड जितनी दूर है उतनी दूर। अब देखो ध्यान देखो, ये आपको 9 बचा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यानी शीशे के अंदर 9 दिख रहा है बाहर 3 दिख रहा है, कुछ तो भूत का चक्कर है समझ में आ गया, इसको क्लॉक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, इसको क्लॉक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है, मिरर में क्लॉक प्रॉब्लम्स बहुत पहले आती थी, अभी सब बहुत पुराना फैशन हो गया।
और इसमें बढ़िया सवाल बन सकता है क्या? मान लो आपको सवाल दे दें, सर क्यों हंस रहे हो? मान लो आपको इसमें, जैसे मान लो हमें दे दिया कि 2:35:15 घड़ी में ये समय हो रहा है, और इसकी मिरर इमेज में बताओ क्या समय होगा। करो इसको डायग्राम बना के, 2:35:15। तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए एक ट्रिक आपको बता रहे हैं हम, कि दिए हुए समय को 12.0000 से माइनस कर दो क्लॉक से। याद है ना कौन सी होती है? ये वाली। इसमें से माइनस करने के लिए ऐसे लिखते हैं 11:59:60, है ना? जूनियर क्लासेस में हमने ये सब पढ़ा था। क्या किया, यहां से एक हासिल लिया, ये 11 हो गया, ये 60 हो जाता है, फिर यहां से एक हासिल लिया, ये 60 हो जाएगा, ये 59। तो इसमें से दिया हुआ समय माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो मिरर इमेज का टाइम होगा। जैसे इसमें से हम इसको माइनस कर दें, 11:59:60-2:35:15, ये हो गया 45, ये 4:29, तो मिरर इमेज में ये समय हो रहा होगा। क्लियर हो गया, है ना? तो जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स टाइम हो, मिनट्स हो, सेकंड्स हो, तब इसमें से उठा के माइनस करके सीधा आंसर बता देना, डायग्राम वायग्राम से तब काम नहीं बनेगा। तो नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम एक नए तरह के क्वेश्चंस की तरफ। छाप लिया, छाप लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब आता है आज का असली पार्ट, जहां हमें मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर या मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर पता करनी होगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। बस इसको करने का जो तरीका हम बताएंगे वो सबसे बढ़िया होगा। क्वेश्चन तो आपने देख रखा होगा। ये अ बॉय ऑफ हाइट एच वॉन्ट्स टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में वो अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, सर से लेकर पांव तक। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, यानी कम से कम मिरर कितना बड़ा हो कि उसके अंदर आप अपनी पूरी इमेज देख सके। इतने छोटे से मिरर में मेरी पूरी इमेज कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है? कम से कम मेरी हाइट का, हाफ हाइट का मिरर होगा तभी मेरी इमेज उसमें पूरी दिखाई पड़ेगी। यानी आंसर है h/2। कम से कम मिरर की लेंथ h/2 होनी चाहिए। तो आंसर तो पता है, इसको करने का तरीके भी बहुत है, बट जो हम तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आगे। तो ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे बॉय बना लेते हैं, ये मैंने बॉय बना लिया, ठीक है? यहां मान लो यहाँ पे उसका हेड है सबसे ऊपर, बीच में कहीं उसकी आई है हेड से थोड़ा नीचे, और यहाँ उसके चरण, उसके फीट है। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। अभी इसी के बराबर का मिरर बना लो। हाँ बात सुनो, अभी इसी के बराबर का मिरर बना लो, जितना मिरर नहीं चाहिए होगा हटा लेंगे, पहले बराबर का बना लो। अब इसकी इमेज बनाओ, नेक्स्ट स्टेप इसकी इमेज। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो यहां पर उसकी इमेज मैंने बना ली, ये बन गई इमेज। ये हो गया हमारा ए डैश, बी डैश और सी डैश। अब अगर हमको पूरी इमेज देखनी है तो वो हमें तभी दिखाई पड़ेगी जब हेड से आने वाली रे हमारी आंखों तक पहुंच जाए और फीट से आने वाली रे भी हमारी आंखों तक पहुंच जाए। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, हेड से आने वाली रे को आंखों पे पहुंचाएंगे, ये ए एस। बट एक्चुअल में ये रे यहां से आ नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। रे तो ऐसे आएगी, ये रे गई होगी, रिफ्लेक्ट होके आई होगी, आंख पीछे इसको एक्सटेंड करेगी तो वहां मिला। इस तरह से फीट की बात करें तो फीट से भी रे आके आंख पे लड़नी चाहिए, ये हमें लगेगा रे कहां से आ रही, फीट से। बट एक्चुअल में तो रेज यहां से आएगी ए ऐसे और रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे। हाँ पीछे ले जाने पे लगेगा कि यहां से आ रही। अच्छा मान लेते हैं कि ये इंसान यहां से एल डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इमेज भी यहां से एल डिस्टेंस की दूरी पे होगी। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ठीक है? अच्छा अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी ज्योमेट्री समझनी है।
मैं यहां से एक लाइन बना के यहां पे जोड़ देता हूं। ठीक, अब आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल बड़ा वाला, ठीक है। यहां पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं और इस पॉइंट को R। ये बड़ा वाला ट्राइंगल जरा आप देखो, ए ये वाला, यहां पे ए डैश, यहां पे बी डैश और यहां पे बी है और बीच में ऐसे लाइन खींची हुई है पी क्यू, ठीक है ना। ये वाला ट्राइंगल मैंने बनाया, ये कितना है एल और ये भी कितना है एल, ये एल और ये भी एल। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो पी क्यू है ये एक्स है, पी क्यू को हमने एक्स मान लिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या दोनों सिमिलर है? बहुत क्लियर होगा आपको कि छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्योंकि एंगल्स दोनों के बराबर हैं। ये एंगल देख लो कॉमन है, ये 90 है, ये इसमें भी 90 है, तीसरा एंगल अपने आप दोनों का बराबर। तो छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल, तो हम क्या करेंगे, ये अपॉन ये, या ये कर लो, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन बी क्यू। पहले सोचो सही लिखा है, यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो सेम। ए डैश बी डैश हमको नहीं पता तो ए डैश बी डैश ही लिख लिया, पी क्यू को हमने एक्स माना है, बी बी डैश हो गया 2l और बी क्यू हो गया l, l से l मर गया, देखो बी क्यू हो गया l, बी बी डैश 2l। यहां से a डैश b डैश की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी, 2x, यानी ये हो गया 2x के बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो, a ये ट्रायंगल क्या, b b डैश c, इसमें भी बीच में से एक लाइन खींची, ये ट्रायंगल दिखा रहा हूं, दिख रहा है b b डैश और c डैश, सॉरी b b डैश और c डैश, सही है, इसमें बीच में एक लाइन दिख रही है ऐसे q r की। अगर पूछूं b q कितना है तो फिर से l और q b डैश l, इसमें फिर से मैं q r को इस बार y मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया इतने को। फिर से ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, यानी इस बार हम लिख सकते हैं b डैश c डैश अपॉन qr इज इक्वल्स टू b b डैश अपॉन b q। बोलो कोई दिक्कत, यो बाय यो इज यो बाय यो, सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम। b डैश c डैश नहीं पता, qr को आपने खुद y माना, b b डैश है 2l और बी क्यू है एल, एल से एल मर गया, बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 2y, यानी ये जो लेंथ है ये 2y है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बताओ कितना मिरर रिक्वायर्ड है, क्या ये पार्ट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है हमको, जो हेड से रेज आ रही है वो यहां से लड़कर चली गई, यानी ये पार्ट रिक्वायर्ड नहीं। ये बताओ क्या हमको ये पार्ट मिरर का रिक्वायर्ड है, नहीं, फुट वाली जो रेज है वो इस कोने से लड़के गई, यानी ये भी हम हटा सकते हैं, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ इतना मिरर अगर मिल जाए तो पूरी इमेज दिखेगी, हेड वाली रेज ये, पैर वाली रेज ये, इतने मिरर में पूरी इमेज दिखाई पड़ सकती है। इतने मिरर का साइज कितना है, x प्लस वाई, साइज ऑफ मिरर कितना है, x प्लस वाई। अच्छा, बॉय की हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट कितनी है बच्चों, ये पूरी हाइट कितनी है, कैपिटल एच के बराबर। क्या कैपिटल एच 2x प्लस 2y के बराबर दिख रहा है, भाई इमेज का साइज तो सेम होगा जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है, तो साइज ऑफ या हाइट ऑफ बॉय कितना हो गया, 2x प्लस 2y। प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, ये पॉइंट अगर नहीं लिखा था तो लिख लो, प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल होती है इमेज, अपराइट होती है मतलब सीधी बनती है, और सेम साइज की बनती है एज ऑब्जेक्ट, ये तीनों बातें लिख लो। इन प्लेन मिरर द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब रेज अपीयर टू मीट, द इमेज इज अपराइट,
यानी इमेज सीधी बनती है, जैसे ये है ऐसे, ऐसा नहीं उल्टे इन्वर्टेड नहीं बनी। और तीसरी चीज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, तो जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज। तो अगर ये एच है और ये 2x + 2y, तो दोनों बराबर। प्लेन मिरर ने क्या किया, इमेज वर्चुअल है, इमेज सीधी है यानी अपराइट या जिसको आप इरेक्ट भी बोलते हैं, और तीसरी चीज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये 2x + 2y किसके बराबर है, h के बराबर है। तो अगर 2x + 2y h के बराबर, तो x + y किसके बराबर हो गया, h/2 के। यानी लेंथ ऑफ मिरर या साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितनी है, h/2। 2x + 2y से h बन रहा, यहां देखो 2x + 2y से h बन रहा, यानी 2 times of x + y से h बना है। तो x + y कितना हो जाएगा, h/2। ये करने का तरीका आपको सीखना था, सिमिलर ट्रायंगल्स लगाना सीखना था। चले दूसरे क्वेश्चन पे, फील हो गया क्या करना है। हेड्स की रेस को कहां लाना है, आंख पे, पैर की रेस को भी आंख पे, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसा लग रहा है रेस यहां से आ रही, बट एक्चुअल में तो ये, एक्चुअल में तो ये। उसके बाद दो ट्रायंगल्स बना लिया और सिमिलैरिटी लगा दी। क्लियर है, आगे बढ़े, नोट कर ले पॉज करके। चल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। ये भी बहुत फेमस है, करने का तरीका मैंने सिखा दिया है। अब देखो, अ बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट कैपिटल एच एंड अ प्लेन मिरर। एक इंसान एक दीवार और मिरर के बीचों बीच खड़ा है। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल। पिछली बार खुद को देखना चाहता था, इस बार दीवार को देखना चाहता है। पीछे दीवार है, बीच में वो लड़का है, और सामने मिरर, लड़की भी हो सकती है, मैं जेंडर वाइज नहीं हूं, ठीक है, और सामने मिरर है, और जो बंदा एकदम बीचों बीच खड़ा है। अब ये मिरर में पीछे वाली दीवार पूरी पूरी देखना चाहता है, मिरर में पीछे वाली दीवार पूरी देखना चाहता है। तो मिरर की लेंथ कम से कम कितनी हो, अगर दीवार की लेंथ एच है। डायग्राम बनाएंगे, सीखो जरा। यहां मान लो सबसे पहले मैंने वॉल बना ली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वॉल, है ना, जिसमें मेन खेल खेलना है। ये रही हमारी वॉल, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, ये हमारी वॉल है, ठीक है। बंदा खड़ा कर लो बीच में कहीं, यहां मान लो बंदा खड़ा है, ये हमारा बंदा खड़ा है बीच में कहीं, और ये बीच में है मिरर और इसके, तो जितना डिस्टेंस ये, उतने डिस्टेंस में मिरर लिखा है। Boy is standing midway between a wall of height h, ये h height का है, and a plane mirror. तो plane mirror जितनी दूर है उतनी दूर plane mirror. पहले तो पूरा plane mirror बना लो, है ना, जो नहीं required होगा उसको हम हटा लेंगे, बहुत बढ़िया। ये distance मान लेते हैं d है, तो ये distance भी d होगा, ये लिखा है image में से कोई लिखा हुआ है, standing midway, तो हमने बीच में खड़ा कर लिया। अब आप इसकी इमेज बना लो, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया बी डैश। देखो साइज सेम होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा, ठीक है। अब देख कौन रहा है, ये बंदा, यहां इसकी आईज है, ठीक है, हमें इसकी आईज से मतलब है, ये रही इसकी आईज। अब इस बंदे को क्या देखना है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल। पूरी दीवार चाहिए उसको मिरर के अंदर, यानी दीवार के ऊपरी कोने से आने वाली रेज भी इसकी आंखों में जाए और निचले कोने से आने वाली रेज भी इसकी आंखों में जाए। यानी एक तो ये रेज हो गई, इसकी आंखों में जा रही है, ऐसा लग रहा वहां से आ रही, वहां से नहीं आ रही, असल में यहां से आई होगी और रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में गई, और एक यहां से ए, ये
ऐसा लग रहा बी से रेज आ रही, बी डैश से, क्या बी डैश से सच में रेज आ रही? असल में तो बी से आई है और रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में गई है। बोलो सही बोल रहा हूं? ठीक है, असल में तो यहां से, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ पूरी कितनी होगी? मेरे ख्याल से ये 2D होगा। मिरर से वॉल कितना दूर है? 2D। ये तो मैंने ऐसे ही अपने आप डी वेरिएबल लिया है। तो मिरर से इमेज भी कितना दूर होगी? 2D। देखो इमेज बना ली है हमने, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, 2D पे ऑब्जेक्ट, 2D पे इमेज। अब फिर से आपको वही सिमेट्री वाला खेल खेलना है। ये मैंने काट दिया, दो ट्रायंगल बन गए, इसको फिर से P बोल देते हैं, इसको Q, इसको R, P Q R। एक इस पॉइंट की भी जरूरत है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज C डैश। C नहीं बोला, C डैश बोल दिया। अब आप फिर से दो ट्रायंगल देखो, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैं उठा रहा हूं, यहां पे A डैश, यहां पे C डैश, ये पॉइंट का नाम नहीं है, इसको चलो C बोल देते हैं। यहां पे C, C की इमेज नहीं है, C डैश ऐसे ही नाम दे दिया। यहां पे C, और बताओ एक लाइन खींची ऐसे P Q बन गया, A डैश P C Q C डैश, ठीक है। अब ये C Q डिस्टेंस कितना है इस बार? D। और Q C डैश कितना है? 2D। P Q कितना है? नहीं पता, लेट दिस बी X। अब आपको A डैश C डैश की वैल्यू चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, तो यो बाई यो इज यो बाई यो, A डैश C डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। बोलो कोई दिक्कत? यो बाई यो इज यो बाई यो, तो A डैश C डैश और पी क्यू को आपने खुद X माना है। सी सी डैश कितना हो गया? 3D। सी सी डैश 3D, और सी क्यू कितना हो गया? D। D से D मर गया, A डैश C डैश का अमाउंट टू बी 3X। तो ये हो गया हमारा 3x के बराबर। इस तरह से अब नीचे वाला ट्रायंगल उठा लो पूरा, ए ये बड़ा वाला ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल, ये C है, ये C डैश है, ये B डैश है, और ये एक लाइन इसमें खींची हुई है QR की, दिख रही है QR की। CQ कितना है? D। QC डैश कितना हो गया? 2D। भैया ये D, पहले ये वाला ट्रायंगल उठाया, अब ये वाला सी क्यू सी डैश सी आर बी डैश। यहां पे हम क्यू आर को इस बार वाई मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को वाई मान लिया। अब बताओ क्या हम लिख सकते हैं? सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। बोलो सही है? यो बाई यो इज यो बाई यो, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला एक छोटा वाला, यो बाई यो इस यो बाई यो, सिमिलर ट्रायंगल देखना आता है ना, बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका, इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो सी डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है? यहां सॉल्व करते हैं, सी डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है अपने को नहीं पता, क्यू आर की वैल्यू कितनी है? वाई अपन ने खुद माना, सी सी डैश कितना है? 3D, और सी क्यू कितना है? डी से डी मर गया, सी डैश बी डैश इज 3Y, मतलब ये लेंथ आई 3Y, यानी H किसके बराबर है? 3X plus 3Y, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के होते हैं प्लेन मिरर में। अब मुझे ये बताओ मिरर कितना रिक्वायर्ड है? क्या ये मिरर रिक्वायर्ड है? नहीं, जो हेड की रेज है वो तो यहां पे मिल रही है, हेड क्या बॉल का जो कोना है उसकी रेज यहां मिल रही, तो ये मिरर हटा दो, रिक्वायर्ड नहीं। क्या ये मिरर रिक्वायर्ड है? ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि फुट से आने वाली रेज यहां, सिर्फ इतना ही मिरर रिक्वायर्ड है, कितना? x प्लस y, साइज ऑफ मिरर कितनी रिक्वायर्ड है? x प्लस y, हाइट ऑफ वॉल कितनी है? h, हाइट ऑफ वॉल कितनी है? h, और h किसके बराबर है? 3x प्लस 3y, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू h, तो भाई x प्लस y h बाई 3 के बराबर, यानी मिरर की साइज कम से कम h बाई 3 हो। आप चाहो तो ये दोनों केस रट भी सकते हो छोटे मोटे कंपटीशन के लिए। एक इंसान को अपनी पूरी इमेज अगर प्लेन मिरर में देखनी है तो मिरर की हाइट कम से कम h बाई 2 हो, इंसान के हाइट की आधी हो कम से कम, उससे ज्यादा में भी काम चल जाएगा। अगर एक इंसान एक दीवार और एक मिरर के, प्लेन मिरर के बीचों बीच खड़ा हो,
बीचों बीच खड़ा हूं। उस टाइम उसे उस दीवार की पूरी इमेज देखनी है मिरर के अंदर, तो कम से कम मिरर की लेंथ h बाई 3 हो अगर उस दीवार की लेंथ h है। क्लियर है? समझ में आया करने का तरीका? मिटा दे, एक बढ़िया सवाल ले इसी पे, अब आप खुद से करके दिखाएंगे। तैयार हैं आप? दे सवाल पक्का? लेट्स सी। सवाल कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा, यही रहेगा, एक दीवार रहेगी, एक मिरर रहेगा, एक लड़का रहेगा। थोड़ी कहानी में हम चेंज करेंगे, हम बना देते हैं। चलो सवाल इस बार बना के दिखा देते हैं। ये दीवार है मेरी, ये वॉल है, ठीक है, और वॉल की हाइट हमको दे रखी है फिर से कितनी, कैपिटल एच। यहां बंदा खड़ा है, ठीक है, और यहां मिरर लगा है, ठीक है, पर इस बार बंदा बीचों बीच नहीं खड़ा, बीचों बीच नहीं खड़ा, इस बार बंदा बीचों बीच नहीं खड़ा। इस बार मान लेते हैं यहां से ए डिस्टेंस पे है और यहां से बी डिस्टेंस पे है। मस्त सवाल, बराबर बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, वॉल से ए डिस्टेंस पे है, मिरर से बी डिस्टेंस पे। अब ये बी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में दे दे कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? एग्जाम में सवाल कैसा ही बन सकता है, वैल्यूज दे देंगे कि एक इंसान है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर, हर तरह के सवाल के लिए। अब यहां भी क्या दिया, इंसान की हाइट नहीं दिया, खैर बोला मान लो ये 5 सेंटीमीटर, बोला 2 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी ले लिया वेरिएबल, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सो दैट द बॉय, इस बार गर्ल ले ले, ए ए, सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल इनसाइड द मिरर। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, करो खुद से करो, required so that the girl can see full image of wall inside the mirror। image कहां बनती है, mirror के अंदर, back of mirror नहीं, inside the mirror के अंदर एक दुनिया है, हा हा हा, mirror। चलो हम इसके आपको ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन है आपके एच ए बाई बी, एच बी बाई ए, एच बी बाई 2a प्लस बी, एच बी बाई 2b प्लस ए। तो चेंज करते हैं, एच ए बाई 2a प्लस बी, एच ए बाई 2b प्लस ए। चलो ट्राई करो पॉज करके, ये वाला खुद से ऑप्शन जब तक मैच ना हो तब तक ट्राई करते रहो, तुरंत गिव अप मत किया करो, कोशिश करो, तरीका मैंने सिखा दिया, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लिया, पॉज करो, ट्राई करो खुद से, गिव अप नहीं करो, बन जाएगा, 3 मिनट का सवाल है, आपको तरीका सिखा दिया है, कोई टफ सवाल नहीं है। क्या करेंगे, करें इसकी सबसे पहले इमेज बना लो, इसको हम बोल देते हैं चलो ए, इसको बोल देते हैं कैपिटल बी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी इमेज, ठीक है। मैं आइडिया बना रहा हूं, ए डैश बी डैश, ठीक है। अच्छा अब पूरी दीवार कब दिखेगी, इस कन्या की आंख बना लो यहाँ पे, अब पूरी दीवार कब दिखेगी, जब ए डैश से आती हुई रेज इसकी आंख में जाए और बी डैश से आती हुई रेज भी इसकी आंख में जाए। ये एक्चुअल में रेज कहां से आ रही है, इससे, और बी डैश से आती हुई रेज भी इसकी आंखों में, एक्चुअल में रेज कहां से आ रही है, बी से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, नामकरण कर लेते हैं, पी क्यू आर, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम सी डैश। ये लेंथ कितनी है इस बार, बी, और ये लेंथ कितनी होगी, ए प्लस बी, कोई डाउट तो नहीं है। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, लड़की नहीं ऑब्जेक्ट, लड़की देखना, मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ए प्लस बी, तो इमेज भी कितनी दूर होगी मिरर से, ए प्लस बी। अब एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल, मतलब बड़ा वाला, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये उठा लिया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे सी डैश है, बीच में एक लाइन खींचा रखी है पी क्यू, ये लेंथ कितनी है बी, और ये लेंथ कितनी है ए प्लस बी। पी क्यू को थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज कर लिया, ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। ए डैश सी डैश नहीं पता, पी क्यू की वैल्यू एक्स मानी, सी सी डैश कितना हो जाएगा इस बार 2b plus a upon b, बोलो सही है? यो बाई यो इज यो बाई यो, प्रोसीजर समझ में आ गया है? तो ये बाई ये x और ये कितना हो गया 2b plus a upon b। यहां से a dash c dash की वैल्यू कितनी मिल रही है, a dash c dash की वैल्यू मिल रही है x into 2b plus a by b। जरा नीचे राइट एंगल उठाओ, अब नीचे राइट एंगल उठा लिया, हाँ ये कितना है C, ये क्या है C डैश, ये क्या है B डैश, बीच में एक लाइन काट रही है इसको Q R, ये सी क्यू कितना है B और ये कितना है A प्लस B। फिर से क्या करेंगे, Q R को Y मान लेंगे, अब क्या बोलेंगे C डैश B डैश अपॉन Q R इज इक्वल्स टू सी सी डैश अपॉन सी क्यू। अब ये रट के नहीं आ सकता बच्चा एग्जाम में, इसके लिए चाहिए आपको करने का तरीका। वो रट सकता है कोई कि कम से कम मिरर की लेंथ कितनी हो, पूरी इमेज दिखे h by 2, दीवार पीछे मिरर आगे मैं बीच में, दीवार की हाइट h कितनी, लेंथ होनी चाहिए मिरर की h by 3, ये कैसे रटेगा? तो सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर की वैल्यू बोलो y, सी सी डैश बोलो 2b plus a, सी क्यू की वैल्यू बोलो b। यहां से c dash b dash is y times of 2b plus a by b, तो आपको a dash c dash मिल गया, ये कितना आया है x times of 2b plus a by b, c dash b dash भी मिल गया, ये कितना है y times of 2b plus a by b। यहां तक नोट करो, सवाल में डाल लूं मैं, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल इनसाइड द मिरर। अब सुनो कितना मिरर रिक्वायर्ड है, इतना, इतने से काम बन जा रहा है, टॉप वाली रेस भी और बॉटम वाली रेस भी, यानी साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितनी है x प्लस वाई है, हाइट ऑफ वॉल कितनी है, हाइट ऑफ वॉल कितनी है h बोलो, या इसको ये बोल सकते हैं, नहीं आ रहा समझ में, हाइट ऑफ वॉल को ये बोले या इमेज की हाइट बराबर होगी कितनी है, जरा देखो वहां से x into 2b plus a by b, y into 2b plus a by b, दोनों को ऐड करोगे तो 2b plus a by b कॉमन, 2b plus a by b कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा x plus y, बोलो ये पूरा जोड़ोगे, जब जोड़ोगे तो 2b plus a upon b कॉमन x plus y, ये किसके बराबर होगा कैपिटल H के। अब यहां देखो आपको x plus y की वैल्यू चाहिए, x plus y की वैल्यू क्या आएगी h into b upon 2b plus a, बोले ये x plus y की वैल्यू देखो, ये उधर जाएगा h into b upon 2b plus a, h into b upon 2b plus a। आ गया, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये प्रोसेस आना चाहिए तभी आप इसका कोई भी सवाल मिला सकते हो। अब एग्जाम में ए बी ना देके 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या पता इसकी हाइट भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि इसकी हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, जबकि आपको पता है इसकी हाइट से सवाल का कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? हो सकता है दीवार की हाइट दे दे 10 सेंटीमीटर, बोल दे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्या करना है, ए की वैल्यू को 2 रख देना, बी की वैल्यू को 3 रख देना, एच की वैल्यू को 10 रख देना, आंसर आ गया। इसीलिए मैंने वेरिएबल्स में सॉल्व कराया। क्लियर हुआ? करने का तरीका आ जाएगा तो आप सब कोई भी सवाल हिला दोगे। ये हाइट किसके बराबर, ये प्लस ये, यहां से 2b plus a by b common x plus y equal to h। अब हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ मिरर कितनी है x plus y, तो x plus y की वैल्यू निकाल, नोट कर लें। चलिए एक आखिरी सवाल लें इसी तरह का, चलो आखिरी सवाल थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू वाले कंसेप्ट पे, किसपे, क्या बोले सर, किस चीज पे, फील्ड ऑफ व्यू, कहां तक कोई चीज दिखाई पड़ रही है, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये मिरर है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या है, जब आप यहां से देख रहे हो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है समझो, ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो सबसे कॉर्नर की रेज है, सबसे ज्यादा जो रेज जा सकती है वो यहां और यहां,
सबसे दूर जो ट्रैवल कर सकती है। इमेज कहां बनेगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज पहले से बना के रख लो। अब ये रेज यहां जोड़ दो ए ऐसे, और ये रेज यहां जोड़ दो ए ऐसे। इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये कहां तक इमेज दिखाई पड़ रही है, क्लियर, फील्ड ऑफ व्यू। जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली। जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास आओगे फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। कितनी दूर तक इमेज दिखाई पड़ेगी, कितने एंगल में इमेज दिखाई पड़ेगी, कितने बड़े ब्रैकेट में इमेज दिखाई पड़ेगी, क्लियर हो रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट से कॉर्नर कॉर्नर में मिरर की रेंज डाली, इमेज पहले से बना ली, मुझे पता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज परपेंडिकुलर लाइन पे, डॉट 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 डी डॉट डॉट डी, और इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब इसी के ऊपर सवाल है, नोट करना हो नोट कर लो, छोटी सी बात थी, छाप लिया, ओके। सवाल वही पिछले कंसेप्ट पे है, थोड़ा सा इसका यूज होगा। क्या है सवाल, सुनो, बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। यहां पे एक प्लेन मिरर है मेरे पास, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, यहां पे एक प्लेन मिरर है मेरे पास। इस प्लेन मिरर की हमें लेंथ दे रखी है डी। इस प्लेन मिरर के सेंटर के सामने एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एकदम इसके सेंटर से है ना, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू, और ये सोर्स ऑफ लाइट रखा है यहां से एल डिस्टेंस पे, ठीक है। इस मिरर से टू एल डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, इस मिरर से टू एल डिस्टेंस पे एक इंसान है, ठीक है, अभी लड़का है लड़की है क्या नहीं पता मुझे, और वो सीधा सीधा चल रहा है पैरेलल टू द प्लेन मिरर। कैसे चल रहा है, पैरेलल टू प्लेन मिरर, ये सब लैंग्वेज में लिखा रहेगा सवाल के, मैं बता दे रहा हूं। एक इंसान है जो यहां चल रहा है पैरेलल टू द प्लेन मिरर, टू एल डिस्टेंस पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, टू व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेच, मतलब लेंथ, द मैन कैन सी इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द, टू व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेच यानी लेंथ द मैन कैन सी इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स, इमेज ऑफ लाइट सोर्स एस इनसाइड द मिरर। पहले कॉपी करो, सवाल समझो। एक प्लेन मिरर है डी लेंथ का, उससे एल लेंथ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस रखा है, 2L लेंथ पे एक इंसान है जो मिरर के पैरेलल यहां पे चल रहा है, पूछ रहा है कि कितने लंबे स्ट्रेच में ये इंसान इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की इमेज को देख पाएगा। सवाल समझाएं, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज बना लो, पहले से आप दिमाग वाले हो गए हो, यहां से L लेंथ पे यहां की इमेज बनेगी S डैश। ये कह रहा है कितनी दूर तक जाने पे इसको एस की इमेज दिखाई पड़ रही होगी मिरर में, मतलब एक टाइम आएगा आप निकल जाओगे कि आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, सामने मिरर है, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, एक टाइम के बाद उस मिरर में आपको सोर्स ऑफ लाइट की इमेज नहीं दिखती। कभी अपने सामने एक मिरर रखो और अपने पीछे कोई भी और, जैसे व्हाइट बोर्ड है मेरे सामने हमेशा मिरर रहता है, हम वहां पर हमेशा सामने मिरर जो हमको बताता है कैमरा सही चल रहा है कि नहीं, थोड़ी बहुत चीजें कभी पीछे आके भी देखना पड़ता है। तो उस मिरर में मुझे अभी वो कैमरा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अब मुझे दिखना बंद हो गया, यानी उसकी इमेज अब दिखनी बंद हो गई। आप अपने पीछे कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रख लो, सामने एक मिरर, और ऐसे चलते जाओ तो मिरर तो दिख रहा होगा पर उसके में ऑब्जेक्ट जो था ये पीछे वाला ये दिखना बंद हो जाता है। तो इसी को हमने पूछा कितने स्ट्रेच तक इसकी इमेज आपको दिखाई पड़ेगी। तो देखो यहां से निकलने वाली सबसे कॉर्नर से रेस कौन सी है, एक ये, एक ये, ए ऐसे,
ए ऐसे यही रेज है बोलो ठीक है यही रेज बनेगी बोलो यही रेज बनेगी एक्चुअल में ये जो रे आपको दिख रही है ये एक्चुअल में तो यहां से आ रही है ए ए ये ऐसे गई लड़की ऐसे बट इंसान को क्या यहां इससे लाइट आती हुई दिख रही नहीं उसे तो लग रहा है कि ये लाइट रे कहां से आ रही है पीछे यहां से जैसे ये वाली रे है तो यहां से आ रही है देखने में तो लग रहा है यहां से बट एक्चुअल में तो यहां से बट इंसान को क्या लगेगा यहां से बट एक्चुअल में समझ में आ रहा है हमने कहा सबसे कॉर्नर से जो ले जा सकती उसे यहां पे आके भी लाइट सोर्स दिखाई पड़ेगा इसके आगे निकलते ही उसे लाइट सोर्स दिखना या उसकी इमेज दिखना बंद हो जाएगी और इसके आगे आते ही उसको लाइट सोर्स की इमेज दिखना बंद हो जाएगी जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ये अब इसके बाद कोई रेस यहां से थोड़ी ना आएगी अबे यार यहां से रेस निकल ही नहीं रही है तो मेरे के अंदर रेस तो यहां से आ रही अरे इसकी लास्ट रे तो यहां से टकरा के यही वाली जाएगी ना और इधर से टकरा के ये वाली जाएगी नहीं समझे यहां पे आके इसको ये तो वर्चुअल चीज है ये तो वर्चुअल है एक्चुअल में तो इमेज बनी नहीं है वर्चुअल वर्चुअल एट द सेम डिस्टेंस एंड इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ओके एक और प्रॉपर्टी जुड़ गई वर्चुअल इमेज एट द सेम डिस्टेंस जितनी दूर ऑब्जेक्ट सेम साइज की और सीधी खैर तो पॉइंट सोर्स है तो यहां आने पर इसको थोड़ी ना दिखेगा ये वाली रेज आखिरी में यहां तक आ सकती है पीछे मिला है तो ये जो स्ट्रेच है ये पता लगाना है हमें कि ये लेंथ कितनी है ये लेंथ कितनी है अब ट्राई करो एक बार खुद से मैं ऑप्शन दे देता हूं आपका ऑप्शन है द लेंथ इज द लेंथ इज 3d बाय 2 ऑप्शन बी द लेंथ इज 3d ऑप्शन सी 5d बाय 2 ऑप्शन डी द लेंथ इज 5d ट्राई करो आखिरी सवाल आज का पॉज करके खुद से पॉज करके हो गया चलिए मैं करूं पॉज करके ट्राई कर लो आ गया आंसर 1 2 3 4 मैं करने जा रहा चलो ठीक है एक बड़ा रेक्टेंगल ये नामकरण करना पड़ेगा आ यार ऐसी कर लेते हैं हम ऐसी कर लेते हैं नामकरण करते हैं पी क्यू आर ये तो नाम पढ़ा हुआ है डैश इसका नाम दे देते हैं ए इसका नाम दे देते हैं बी इसका नाम दे देते हैं सी डैश है ना तो एस डैश और ए और सी डैश और बीच में एक लाइन खिंचा दिया है इसे पी क्यू ठीक है ना पी क्यू की वैल्यू को एक्स अरे कहा एक्स लोगे अब पता है ना ये आधा है बोला है ना लाइट सोर्स कहां पे इसके एकदम सेंटर के सामने है तो ये इसका आधा ये d है तो कितना d by 2 अरे जी हर बार x लेंगे अरे भाई दिया है ना कि ये d है और ये इसका आधा है कि इसके सेंटर के सामने तो ये d by 2 ये भी d by 2 नीचे वाला भी ये d by 2 sq कितना है sq है अपना l और qc dash कितना है ये हो जाएगा 2l अरे बोल दिया है कि 2l दूर पे इंसान चल रहा है ये हो गया 2l अब बताओ a c dash by p q is s dash c dash by s dash q ऐसे तो नाम है ट्रायंगल के है ना तो a dash sorry a c dash by p q हो गया d by 2 s dash c dash हो जाएगा 3l s dash q हो गया l से l मर गया a c dash कितना हो गया 3d by 2 तो ये हो गया 3d by 2 बोलो आया ये बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल ये l छोटा ट्रायंगल का बेस l अरे एक देखो एक ये बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का बेस 3l छोटे का बेस l छोटे वाले की हाइट d by 2 तो बड़े वाले की हाइट 3d by 2 एक बार में खत्म करो भाई बड़े वाले का छोटे वाले का बेस l बड़े वाले का बेस 3l छोटे वाले का d by 2 बड़े 3d by 2 इस तरह से यहां आ जाओ ये d by 2 ये बड़ा ट्रायंगल देखो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस l बड़े वाले का 3l छोटे वाले का d by 2 बड़े वाले की हाइट 3d by 2 टोटल स्ट्रेच कितना हो गया 3d by 2 plus 3d by 2 is 3d बोलो आया
तो यहाँ पे हम प्लेन मिरर की इन कहानियों को करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे कि जब दो प्लेन मिरर आपस में इंक्लाइंड हो तो इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल। बहुत बढ़िया टॉपिक है। और थोड़ा सा रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर भी डिस्कस करेंगे। अभी प्लेन मिरर पे तीन लेक्चर बनेंगे, मतलब यहाँ के बाद दो। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।